नमस्ते दोस्तों, फूड फॉर टेस्ट बड्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनीता पवार और आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज़ बेल। चाइनीज़ बेल एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन स्ट्रीट फूड है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं चाइनीज़ बेल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक और लंबी कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियंस, बारीक और लंबी सी कटी हुई कैरेट्स, बारीक और लंबी सी कटी हुई बंद गोभी और स्लाइस किया हुआ प्याज। और सॉसिंग में हमें चाहिए आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जो सेव जैसे दिख रहा है ये हमने बनाया हुआ है हक्का नूडल्स से। पहले हम हक्का नूडल्स को बॉईल करेंगे और इसे इस तरह से तेल लगा के एक प्लेट में 10 या 15 मिनट तक स्कैटर करेंगे और उसके बाद उसे डीप फ्राई करेंगे तेल में। सो डीप फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसे सेव जैसे दिखने लगेगा और इसे हम यूज़ करेंगे चाइनीज़ बेल में। पैन को मैं गर्म करूँगी और उसमें मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच तेल और तेल गर्म होने तक वेट करूँगी। तेल गरम होते ही मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको ध्यान में रखना है कि चाइनीज़ रेसिपीज़ में 30 सेकेंड से ज़्यादा वेजिटेबल्स फ्राई नहीं करते हैं, तो हमें वेजिटेबल्स क्रंची चाहिए, इसीलिए 30 सेकेंड्स में हम सारे वेजिटेबल्स भून लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर चुकी हूँ बंद गोभी, कटी हुई कैरेट्स, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और स्लाइस किया हुआ अनियंस और इसे मैं अच्छे तरह से 30 सेकेंड्स तक बूंद लूंगी हाई फ्लेम में। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी और इसमें सारे सॉसेस ऐड करना लग जाऊंगी। तो पहले मैं ऐड करूंगी सोया सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहिए तो आप रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हो। और मैं जो हक्का नूडल्स जो फ्राई करके रखा हुआ था इसे मैं अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी और चाइनीज़ बेल ऑलमोस्ट तैयार है। इसे मैं स्प्रिंग अनियंस के साथ गार्निश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।